सो गल आप कैनेडा की करन जा रहे हैं उन्होंने स्टूडेंट्स लिए असं कुछ अच्छ प्रोफाइल्स भी डिस्कस करा जिन्हों के मन में कन्फ्यूजन है कि हूँ कि कैनेडा तो वीज़ा लग रहे हैं या फिर चीज़ा रुकिया हुई ने तो अंदाज दिए ओवरऑल छे एक मोड्यूल पांच आयल स्कोर बैंड के नाल भी वीज़ा लग रहे हैं। सो स्टूडेंट्स न बिल्कुल भी अपने इस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रोफाइल बारे भी डिस्कस करा हूँ किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं और किमें टाइमली अपना प्रोसैस जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। इस लैके एक गल थोड़े जरूर साझी करा। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर ते अजे खास गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करन जा रहे ने नैविगेटर्स ओवरसीज़ तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो मैम का 26-27 साल का एक्सपीरियंस है, सारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं। सो मैम जिहड़े लाइव सैशन लेंदे ने इन्हां यूट्यूब चैनल्स उपर ही लाइव शोज़ भी स्टूडेंट बहुत सारे अपने सवाल मैम अगे रखते हैं जिन्हां दे सोल्यूशन उन्हां नूं मिल पाते हैं। सो मैम कैनेडा की जिथे गल करते हैं स्टूडेंट के मन में जी कन्फ्यूजन आ गई सी, सो वह कन्फ्यूजन इस गल तो दूर होंगी नज़र आ रही है जिस तरह के आप रिजल्ट देख रहे हैं। मैं थोड़ा जहा प्रोफाइल वाइज जिमें कि ओवरऑल छे एक मोड्यूल पांच आयल स्कोर नाल भी जो है वीज़ा लगे इस अजिंह कुछ से प्रोफाइल्स बारे जरूर गल करना चाहूँगी ताकि स्टूडेंट्स नाल तुसी कुछ अजिंह प्रोफाइल साझिया करो तो स्टूडेंट्स समझ सकन कि जो एक माहौल बनया सोशल मीडिया के उपर सुन सुन के स्टूडेंट्स चिंता में आ गया अजिहा कुछ नहीं है। स्थिति अज की यह है कि चंगा सक्सैस देखा जा रहा है कैनेडा तो स्टडी वीज़ा का। हरजोत देखो कैनेडियन गवर्नमेंट वीज़ा दे रही है और बहुत अच्छे दे रही है क्योंकि मैन पावर की जरूरत है। ये जरूर बच्चों के विच विच क्वेश्चन आ रहे हैं कि अजे जॉब नहीं मिल रही, तो मेरा क्वेश्चन उन्होंने ये होंगे कि तुम जॉब कर नहीं जा रहे, तुम पढ़न जा रहे हो और एक बच्चा हर बच्चा इको जगह जाएगा तो वह नैचुरल बच्चा इन्ना कट्ठा हो गया उन्होंने जॉब किदा मिलेगी। तुम रीजनल एरिया के जाओ तो भी शिकायत नहीं मिलेगी। बाकी जेडे 6 ओवरऑल करते या 60 पीटी का ओवरऑल करता ये मिनीम नहीं रख्या इन्होंने, तो साढ़े अपने वीज़े आए हैं 6 ओवरऑल एक पांच विच ते सक्सेसफुली वीज़े आए हैं और साड़ी कंपनी ना पहले कुछ लैंदी है ना बाद च कुछ लैंदी है कैनेडा वास्ते, तो बच्चे जेडे इमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। जेडे बच्चे मैं कह रही थी कि आस्ट्रेलिया दे विच प्रॉब्लम है कोई आर्ट्स का कोई कुछ है वो कैनेडा दे विच सानू कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उत्थे ना आर्ट्स की प्रॉब्लम है ना सानू साइंस की, कैसा मर्जी बच्चा हो क्योंकि हर तरह के सानू कोर्सेज मिल जाते हैं और इत्थे कोई बंदिश नहीं है कि तुहाडा 2 साल का गैप है तुसी अप्लाई नहीं कर सकते, तुहाडा 3 साल का गैप है तुसी अप्लाई नहीं कर सकते। 10-10 साल के गैप वालियां नू वीज़े मिले हैं, 4-4, 5-5 रिफ्यूजल वालियां नू वीज़े मिले हैं, तो इत्थे तुहाडा पैसा तो वेस्ट नहीं जा रहा ना कि, और जब बच्चा कहता कि कोई गल नहीं कि असी जिहड़ा मतलब साडा एक पैसा भी वेस्ट ना हो, वो भी नैविगेटर तुहानू पूरी 100% छोटी दिंदा कि कोई तुहाडा एक पैसा भी वेस्ट नहीं होएगा। इस तो ज़्यादा असी तुहानू कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तजुर्बा मेरा इन्ना बड़ा है कि हर प्रोफाइल देख के दस सकती हाँ। बट वीज़े जिहड़े कंट्रियां दी पॉलिटिक्स ते भी डिपेंड करदे, एक कंट्री वीज़ा तुहानू दे रही है एक हजे स्ट्रिक्ट कर रही है, तो बैटर है जिहड़ी कंट्री दे रही है जिहड़े 6 महीने तुसी खराब करने जिहड़ी कंट्री वीज़ा नहीं दे रही है, तो जिहड़ी कंट्री वीज़ा दे रही है वह 6 महीने उधर ला लो खराब करन दी बजाय, जिहड़ा तुसी 1.5-2 लाख रुपया फॉरन एक्सचेंज और एम्बैसी फीसा च खराब करना और 1.5-2 लाख रुपया समझ लो 2-4 महीने जब तक तुहानू जॉब नहीं मिल रही उहदे विच यूटिलाइज़ कर लो। लॉन्ग टर्म से सैटलमेंट तुहाडी वधिया है हर कंट्री विच वधिया क्योंकि कंट्रियां इन्नी बड़ी कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज तुसी देख लो इंडिया तो किन्ने गुना बड़ी है और मैन पावर दी इन्हां नू हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी। अपने पंजाबी बंदे जिहड़े बहुत मेहनती है हर चीज़ का काम कर लेंदे, इस करके 6 महीने इन्हां नू अपनी जगह बनाउण च लगदा उहदे बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। जी जी बिल्कुल। सो देखो स्टूडेंट नू यही गल्लां समझण विच क्योंकि स्टूडेंट जिहड़े छोटी उम्र हुंदी है बचपना हुंदा उहनां विच ते इन्नी सोच नाल नहीं अगे वध पाउंदे। सो मैम दा जिवें आपां गल करदे आं हमेशा ही 26-27 सालां दा एक्सपीरियंस है, सो मैम अपने तजर्बे दे नाल तुहानूं चीज़ां सिखांदे ने। हर जो इह ना कि कुछ कोर्सेज हुंदे आ जिहड़े कि ज़्यादा पेइंग वाले हुंदे आ, स्टूडेंट दी कोशिश होनी चाहीदी उह कोर्स 'च एडमिशन लए, जाणदे सार किसे नूं किधरे वी जॉब नहीं मिलदी आ, महीने 2-4 महीने अपनी जगह बनाने च लगती ही लगती है। तुसी कोर्सिज़ लो एग्रीकल्चर तो रिलेटिड, तुसी कोर्सिज़ लो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ते रिलेटिड, इलैक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, साइबर सिक्योरिटी, गेम डिवेलपमेंट, ठीक है कुछ ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म दे बच्चे दे ते किधरे मर्जी चला जाए वो कभी जॉबलैस नहीं रह सकता। अच्छे कोर्सिज़ लोगे तो तुहानू कभी भी लाइफ च प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 100% है।
कोर्स शुड बी वेरी गुड। और सब तो वधिया बच्चों वास्ते ये चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है, कैनेडा ने जड़े इन्ने दरवाजे खोले इस टाइम कि ओवरऑल रखता जेड़ा कि बहुत टाइम तो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे कि एस डी एस प्रोफाइल नहीं लगती सी, नॉन एस डी एस जाती सी तीन तीन चार चार रिफ्यूजल हो जाते सी, हूँ जेड़ा वो सारी फाइलें एस डी एस जा रही हैं। जी बिल्कुल। सो मैम अगो जिवें इनटेक दी भी जे मैं गल कर लवां तां कमिंग इनटेक्स दी आपां गल करदे आं किन्नी कु देरी विच स्टूडेंट अपनी तैयारी करके अगे वधे, क्योंकि आपां देखदे आं कैनेडा दा जिहड़ा रुझान है हमेशा ही स्टूडेंट्स दा काफ़ी उत्थे फाइलिंग हुंदी रहिंदी। अज वी असीं गल करिए जैन इनटेक दी तां बहुत सारी फाइलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जनवरी इनटेक और मई इनटेक नूं कीवें बहुत मुश्किल है जैन ते मई इनटेक मिल जाएगी जे बाई चांस कोई सीट आ जांदी है। कई वारी साडे कोल मतलब उस दिन न्यू आती है कि अज जी है इन्नी सीटें इस कॉलेज च है जी। उस टाइम जब साढ़े को एप्लीकेशन है मान लो मई की असी सोचिए बट साढ़े को जैन की सीट निकल आई असी नाल दी नाल उस एप्लीकेशन नू कर देने। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सिज़ है जेडे हाई डिमांडिंग कोर्सिज़ है उन्होंने तो सैप्टेंबर 24 च जाके मिल रहे हैं, तो बैटर है वो बच्चे जिन्नी जल्दी अप्लाई कर लैन उन्ना ही बैटर है। वैसे भी जिहड़े भी अच्छे कोर्सेज होंदे आ डिमांडिंग कोर्सेज होंदे किसी मर्जी कंट्री च देख लो, फॉल इनटेक मेन होंदा जिन्नू सैप्टेंबर आपां कहिंदे आ, उहदी जिहड़ी डेडलाइन है जनवरी फरवरी मार्च तक मैक्सिमम खत्म हो जाती हर कंट्री दे। ते जिहड़े बच्चे वाकई च पढ़न वाले चाहवान बच्चे अच्छे बच्चे है वह इन्ना क वेट करते हैं डेडलाइन तो पहले अपलाई करते हैं तो आके उन्होंने मनपसंद प्रोग्राम अपना मिल जाए। जो एकदम दो महीने पहले अपलाई करे एक महीने पहले तो ना तो उन्होंने को फीस पे कर टाइम है कॉलेज में, ना उधरों एल ओ ए आने का टाइम है, तो फिर फाइल और वीज़ा तो वह दो महीने पहले मेरे हिसाब तो वीज़ा अंबैस जरा अंबैसी फाइल लग जानी चाहिए है। मतलब तुम समझो कि जब तुम ऑफर लैटर मिले उसके बाद तुसी फीस भी पे करनी है, तुहाडी पसंद का कोर्स भी होना चाहिए, जब तुहाडा कोर्स ठीक है तो वीज़ा प्रोबेबिलिटी आलमोस्ट 100% होंदी है। बस कोर्स का चोन बहुत जड़ा संभल के करना पैंदा, एक तजुर्बेकार कंसल्टेंट ही ये सारी चीज़ा कर सकदा। बिल्कुल बिल्कुल सही तुसी गल की है मैम। सो स्टूडेंट्स भी इन्हां गल्लां ते जरूर गौर करन, कोई सवाल है नंबर लगा तां डिस्प्ले इस उपर कॉल करके तुसी नेविगेटर ओवरसीज दी टीम दे नाल टाइमली जुड़ सकते हो, सही ऑप्शन का पता करके अगे वधदे होए अपना वीज़ा हासिल कर सकते हो। बहुत बहुत थैंक्स मैम, अज कैनेडा नूं लैके बहुत खास गल्लां तुसी स्टूडेंट्स नूं समझाइया ने। अगों भी असीं स्टूडेंट्स लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे, फिलहाल ही सानूं दिओ जी इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।